तो भाइयों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो बिना किसी भेदभाव के यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला एकदम मजेदार, जिसमें आज हम देखने वाले हैं यूट्यूबर्स के इमोशनल मोमेंट, जहां कभी वो अपने गोल्स को अचीव करने के बाद इमोशनल हो जाते हैं, कभी किसी से दूर जाने के वजह से, तो कभी अपने वर्स्ट पास्ट के वजह से। और हर एक की लाइफ की तरह उनके लाइफ में भी एक ऐसा मोमेंट आ ही जाता है जब कोई हमेशा के लिए उन्हें छोड़ के चला जाता। तो सबसे पहले बात करते हैं गेमर फ्लीट के बारे में, जहां वो अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक्स बोल रहे होते हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हुई। और उनके पापा जो ये सब कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि उनका बेटा इतना नाम कमाएगा, यही वो शेयर करते काफी इमोशनल हो जाते हैं। I just want to say thank you to each and every one of you for changing my life for better. The thing is, मेरे पापा बहुत proud थे मेरे से अभी तक का, but मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी अभी तक का पापा की नज़रों में। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे पूरे फैमिली ट्री में, जितना मेरा पूरा फैमिली ट्री है अभी तक का, जितने भी लोग हैं मेरी फैमिली में, सब लोगों को मिला के किसी के पास भी कार नहीं है, ना मैं बचपन से कभी कार में ज़्यादा बैठा। तो माय डैड जो प्राउड वाली फील देखी है ना मैंने उनकी आंखों में जब वो मेरे से बात कर रहे थे, भाई खुश एकदम। और सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा मेरे को, पापा ने बोला सुन जब गाड़ी आएगी तो मेरे फेसबुक पर डालियो, मैं दिखाऊंगा सबको कि हमने गाड़ी लिए। अब इसके बाद मूवीज या सीरीज में कई सारी हार्ट टचिंग मोमेंट्स होती हैं, जिसे देख कई बार हम रो जाते हैं। और ऐसे ही स्टोरी बेस्ड गेम्स में आजकल स्टोरीज को इतना इंटेंस बना दिया है कि बीस बॉय लिटरली फूट फूट के रोए, जहां दो बहनों में से एक को जोम्बी ने काट दिया होता है और वो जोम्बी बन के मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने आगे क्या किया, चलिए देखते हैं। अरे जाओ यार, दिमाग खराब कर दिया यार इन्होंने। Last rule. No. What do we do if I get bit? यार क्यों यार दिमाग खराब है यार। यार यार तू लीव मी भी नहीं कर सकता ना मैं। Kill me. यार डेवलपर्स कितने क्रूअल हो सकते हैं सही में यार। अब यार कई लोगों को अपने ड्रीम्स को पूरा करने के बाद भी वो अंदर से खुश नहीं होते, क्योंकि कभी कभी या तो उनके साथ वो लोग, दोस्त या परिवार नहीं होते जिनके साथ वो ये सारी खुशियां मनाना चाहते हैं। अब ऐसा ही कुछ मिथपैट के साथ हुआ जब वो अपने बिलबोर्ड के सामने होते हैं और वो उनकी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, एंड जो भी उनके दिल में था उन्होंने वो सारा कुछ कैमरा में कह दिया। सबके साथ होता है पर मेरे नसीब में कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे हमेशा सोचता था। And my grandfather always wanted me कि मुझे 10th standard में 90% से ज़्यादा marks आए, and मैंने decide किया कि 10th standard में 90% से ज़्यादा लाऊंगा उनको लिखाने के लिए। मेरे 3-4 papers हो गए 10th standard के, तीन papers बाकी थे, and सुबह 10 बजे मेरे मुझे paper लिखने जाना था, and at 8 o'clock he got a heart attack. मैंने पेपर वगैरह लिखा, मुझे नहीं मालूम था कि ही इज नो मोर, अगले दिन मुझे समझा कि ही इज नो मोर। मैंने पेपर लिखा बट ही वांटेड राइट 90% एंड आई डिड गेट 94% इन 10th स्टैंडर्ड। उन्होंने नहीं देखा वो चीज, लाइक द बिगेस्ट अचीवमेंट इन माय लाइफ ही डिडंट सी इट, एंड आई वर्क रियली हार्ड फॉर इट, एंड अभी भी जाके ऑल दीज थिंग्स ही वुड हैव गॉन मैड। अगर उन्होंने ये सब कुछ देखा होता तो उनसे नहीं होता ये सब कुछ, देखे वो अभी चले जाते। Why am I laughing? उनसे नहीं होता यार, बहुत बहुत चेंज हो गई है लाइफ। होल्डिंग टीवी रेडियो पागल हो जाते वो। अब इसके बाद हम बात करते हैं लाइव इंसान के बारे में, जहाँ वो अपने वर्स्ट पास्ट की चीजें शेयर कर रहे होते हैं कि कैसे उनके रिलेटिव्स, उनके टीचर और तो और उनके सबसे करीबी बेस्ट फ्रेंड ने भी उनके लुक्स के वजह से उन्हें बुली किया था, जिसके वजह से उनका कॉलेज जाना बंद हो गया था और वो कैसे डिप्रेशन में चले गए, जिसे शेयर करते हुए वो कितने दर्द से गुजरे ये सब पता लग रहा था। मेरे एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव के बेटे की वेडिंग थी, पंजाबी वेडिंग्स में उसके बाद डिनर होता है, तो दोनों फैमिलीज होती है लड़के और लड़की वाली साइड की, वो बैठ के डिनर करती हैं, तो हमारी फैमिली भी वहाँ पे बैठी हुई थी। एंड इस पॉइंट पे दैट रिश्तेदार ऑफ माइन सभी को कहते हैं तुसी कदी कुड़िया वांगू मुंडा देखा है, मतलब
सबके सामने उन्होंने बोला कि क्या आपने कभी लड़कियों जैसा लड़का देखा है, ये देखो इसको देख लो। लाइक ऑन दैट डिनर टेबल उन्होंने ये जब बात बोली, आई स्टार्टेड क्राइंग, मेरा रोना निकल गया और मैं वहां से उठ के चला गया। एक हमारे मैथ्स के टीचर हुआ करते थे जो सभी के फेवरेट होते थे, ठीक है, सभी के, मेरे भी थे। तो एक दिन वो ऐसी क्लास में बोलते हैं, यार ये निश्चय का देखो, ये तो बिल्कुल लड़कियों जैसा है। इसके तो मुंह पे एक भी बात। एक हमारे मैथ्स के टीचर हुआ करते थे जो सभी के फेवरेट होते थे, ठीक है, सभी के, मेरे भी थे। तो एक दिन वो ऐसी क्लास में बोलते हैं, यार ये निश्चय का देखो, ये तो बिल्कुल लड़कियों जैसा है, इसके तो मुंह पे एक भी बाल नहीं आता। बातों बातों में सर वाज लाइक, यार ये कैसा सा है, अजीब सा, ऐसे तो लड़कियां होती हैं, ये लड़के तो नहीं होते ऐसे। डूड, अभी बुरा लगा मेरे को। आई वॉज बेसिकली गेटिंग बुलीड बिकॉज ऑफ माई अपीयरेंस, मैं कैसा दिखता था, उसकी वजह से मेरे प्रोफेसर मैथ्स के मुझे बुली करने लगे एंड मेरा क्लास में रोना निकलने लग जाता था। बट ऑब्वियसली आई कुड नॉट क्राई, वरना फिर तो बोला ये तो लड़की ही है। मैं बिल्कुल ऐसा कंट्रोल करके आंखों में आंसू भरे हुए हैं और मैं नीचे देख के स्माइल कर रहा हूँ कि हाँ जी मैं तो ठीक हूँ एकदम, ऐसा करके। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, 11th क्लास का निश्चय वेंट इन टू डिप्रेशन। इसके बाद जो मेरा ऑलमोस्ट 11th क्लास तक जो मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, उसने क्या करा, उसने ऐसे कोने से बिल्कुल ना फोटो खींच ली ताकि वो काजू कतली को फोटो भेज सके, ये दिखाने के लिए कि देख तेरा वंस बॉयफ्रेंड आज कैसा दिखता है, जस्ट टू प्रूव हर दिस पॉइंट कि ये कितना अगली है। मैंने उसके बाद आज तक उस लड़के से बात नहीं करी है। तो भाइयों अब इसी के साथ करते हैं वीडियो का दी एंड, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।